आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना हेलो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 5.7 6.6 6, एंड 2.2 कॉमा माइनस तो आपको बताना है सर्कल का सेंटर निकालना है जो सर्कल अपने तीन पॉइंट से पास करता है देखो अगर सर्कल इन तीन पॉइंट से पास करता है तो जो तीनों पॉइंट है मेरे उसके सर कम फ्रेंस करेंगे ठीक है तो तो अगर ये मेरा एक सर्कल है तो ये जो तीनों पॉइंट है कुछ एक पॉइंट हाँ लाई करेगा तो एक यहाँ कर रही एक यहाँ कर रही और सेंटर तो मेरा यहाँ पर होगा तो जो सेंटर से इन तीनों पॉइंट का मेरा डिस्टेंस होगा वो तीनों सेम होगा क्योंकि वो तीनों डेडेस के हो जाएगा अपना तो यानी हमको इसमें यूज़ करेंगे डिस्टेंस वोमला आपको सेंटर का निकाल लें सेंटर को ले लेते हम वाई ठीक है इस एक्स कमा वाई से इन तीनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा अपना तो देखो आप यहाँ से कैसे यूज़ करेंगे हम डिस्टेंस डिस्टेंसला डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अपना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर ठीक है तीनों के लिए डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि तीनों से रेडियन लेंगे अपनी अब देखो यहाँ से हम डिस्टेंस डी वन निकालूंगा मैं अपना सेंटर जो मेरे एक्स को मा वाई है उस पॉइंट से फाइव को सेवन का एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेवन का होल स्क्वायर ठीक है अब डिस्टेंस डी टू निकाल रहे हैं हम एक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का स्क्वायर ठीक है इसी तरह से डिस्टेंस डी थ्री अपना यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का स्क्वायर ठीक है और हमको पता है कि तीनों डिस्टेंस ये डी वन इज इक्वल्स टू डी टू इज इक्वल्स टू डी थ्री तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो अगर तीनों इक्वल है तो यानी तीनों का स्क्वायर अगर स्क्वायरिंग कर दूँ तो डी वन स्क्वायर तीनों के डिस्टेंस स्क्वायर वापस में इक्वल होंगे ठीक है तो हम कंसिडर करते हैं पहले इन दोनों को डी वन एंड डी टू स्वेयर को यानी इन दोनों को कंसिडर करते हैं एक साथ हम इक्वेट करेंगे ऐसे तो एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेवन का होल स्क्र एजिक्वल टू एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर ठीक है होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो तो ए स्क्वायर प्लस बी माइनस टू ए बी ठीक है इसी तरह से यहाँ पर वाई स्क्र प्लस फोर्टी नाइन माइनस फोर्टीन वाई इस माइनस का ट्वेल्व एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस का थर्टी सिक्स एंड माइनस का ट्वेल्व वाई ठीक है अब देखो कौन कौन सी टर्म मेरी कैंसिल आउट हो जाएगी एक्स स्क् एक्स स्क् से वाई स्क्वायर अपना वाई स्क्वायर से इधर मिल रहा है माइनस का टेन एक्स ये माइनस का ट्वेल्व वाई है ट्वेल्व एक्स इधर आके वो रहेगा अपना टू एक्स माइनस फोर्टीन वाई और इधर ट्वेल्व वाई तो पर क्या बचेगा माइनस का टू वाईक्स टू अभी ट्वेंटी और फोर्टी नाइन और इधर कितना थर्टी सिक्स तो यानी येगा अपना सेवेंटी टू माइनस फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगी आपको टू एक्स माइनस टू वाई इजिक्वल टू माइनस का टू और पूरी इक्वेशन को टू से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस वाई टू माइनस वन ठीक है तो ये रहेगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन एक्स और वाई के बीच में अब इसी तरह से हम इसको कंसिडर करेंगे डी टू स्क्वायर एंड डी थ्री स्क्वायर को और यहाँ से इक्वेशन मिलेगी आपको ठीक है तो दोनों के स्क्वायर को इक्वेट कर दो एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्व टू हो जाएगा यहाँ से एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इधर से आ जाएगा अपना वाई प्लस टू का होल स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ से एक्स स्क्र प्लस थर्टी सिक्स माइनस में ट्वेल्व एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस में थर्टी सिक्स माइनस में ट्वेल्व वाई ठीक है इधर से क्या वैल्यू मिलेगी आपको एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस में फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर प्लस में फोर वाई तो फिर से वही आप अपनी टर्म कैंसिल आउट हो देंगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्र वाई स्क्वायर से अब इधर से क्या क्या टर्म बच रही है अपनी देखो ये माइनस का ट्वेल्व एक्स है इधर माइनस का फोर एक्स है ये इधर आके आएगा इसमें तो माइनस का एट एक्स बचेगा इधर माइनस का ट्वेल्व वाई है इधर प्लस का फोर वाई है तो ये हो जाएगा माइनस का सिक्सटीन वाई ठीक है अब इधर थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स हो जाएगा 72 टू इधर कितना है फोर प्लस फोर हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर तो खाली एट है अपना तो इधर हो जाएगा एट माइनस 72 टू ठीक है तो क्या इक्वेशन मिलेगी आपको यहाँ से माइनस का एट एक्स वाई टू इसमें से माइनस करेंगे तो सिक्सटी फोर आएगा माइनस का अब पूरी इक्वेशन को माइनस एट से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस टू वाई इजिकल्स टू एट ठीक है ये आपको इक्वेशन मिल रही है इक्वेशन नंबर टू अब ध्यान से देखो दोनों ही क्वेश्चन को सेपरेट कर देते हैं क्योंकि तो दोनों को सेपरेट करेंगे तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा देखो पहली इक्वेशन थी अपनी x माइनस वाई इजिक्वल टू माइनस वन अब दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ माइनस प्लस प्लस तो x माइनस एक्स तो कैंसिल आउट टू वाई प्लस वाई हो जाएगा थ्री वाई और इधर हो जाएगा एट प्लस वन नाइन देट सप्लाईज वाई की वैल्यू तो आ गई थ्री के इक्वल अब वाई थ्री आ गया तो थ्री इसमें पुट कर दूंगा पर मैं